बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है, आज मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ माशाल्लाह से। और मेरी टांग का दर्द जो है ना, वो काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। आज काफ़ी तेज़ चल सकती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि चोट लगी हुई थी ना, इस वजह से ज़्यादा चला नहीं जाता था। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा चोट का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा, शुक्र है टूटने से बच गए। वरना टूटी हुई होती है अगर, तो फिर तकरीबन काफ़ी अरसा लग जाना था। ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि टूटने से बच गई है। इसी खुशी में आज आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। यह मेरी बेटी जो है ना, किचन में बैठी चाय बना रही है, कहती है मम्मा चाय पी ले। आज मेरी बेटी के पेपर थे, वो भी ख़त्म हो चुके हैं। आज अदनान ने एक पौधा लगाया हुआ है, 8 दिन पहले इसका ना उसने थड्डा निकाला था, और 8 दिन के बाद आज गया है, कहता है मम्मा मैंने थड्डा निकाल के रखा है और वैसे का वैसे हरा हरा पड़ा हुआ है। तो ये देखें, बड़ा सा बकैन का पौधा है, ये देखें। एक और आज हफ्ता है, कल बारी है पानी की, तो आज गया पानी बनाने के लिए कि सुबह पानी की बारी है। फिर पानी को जो है ना, उसके वो होते हैं ना टुक्के बंद करके दोबारा से बना लूँ, तो वो वहाँ पड़ा हुआ था वो लेकर आए हैं, अभी इसको लगा दिया है। और मैंने इस साइड पर लगवाया है ताकि इधर कच्चा किचन बनाएँगे, फिर किचन के साथ ये जो पौधा है ये भी बड़ा सा हो जाएगा। बेटी ने चाय बना ली है और हम चलकर मैं चाय पीती हूँ। इधर से एक बंदा आ रहा है, आज इसको ना हमने बहुत काम कराया है ऐसे। हाय भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ है आज आपके साथ, बताओ तू? आज मैं पानी लगा के आया हूं। आज ना हमारा जो वो मुलाजिम था ना, वो भाग गया दोबारा से आज, पता है आपको? तो आज बारी थी पानी की, लास्ट इधर आया हूँ, कोई एक्सरसाइज नहीं की, मैंने कहा चलो ये आज ना नहरी पानी की बारी थी, लास्ट दिन था। ये गंदे हो गए, हाँ वो देखे पैर गंदे हो गए थे, जो कपड़े भी इसने दोबारा धो लिए। आप इब्रार के पहन लेते ना, वो पूरे आते हैं। ऐसे लटकते रहते, इतना तो मोटा है वो। पहले भी उधर चार पाई रखी हुई है, मैं तो चलकर उधर बैठती हूँ और मेरी बेटी जो है ना चाय लेकर आती है, फिर बैठकर चाय पीते हैं। तो माशाल्लाह से कड़कदार प्याला चाय का बन के आ गया है, अभी चाय पीते हैं और फ्रेश हो जाते हैं। चाय पीने के बाद बंदे का दिमाग खुल जाता है। बिस्मिल्लाह। ये हमारा गांव का विलेज का रिवाज है, प्याले में चाय पीना। हम अक्सर इसी प्याले में चाय पीते हैं, कप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। वैसे कप हमारे काफ़ी सारे लेकर रखे हुए हैं, जब मेहमान वगैरह आते हैं ना तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। यार नरमीन से पूछते हैं, नरमीना आप बताओ, अलीना के टेस्ट तो बहुत अच्छे हुए हैं, उसके नंबर भी काफ़ी अच्छे आए हैं अलीना के, तो आपके पेपर कैसे हो गए? नरमीन के तो पक्के पेपर थे 8वीं जमात में ना, अब सुहार से जानी सुहार से इसको 9th क्लास में बिठा दिया जाएगा, ऐसे इंशाल्लाह। कैसे पेपर कैसे हुए? बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत अच्छे हुए हैं। नंबर आएंगे तो फिर पता चलेगा ना, यहाँ देख लेना। कल का दिन है, परसों आपके नंबर आएंगे फिर पता चलेगा। परसों नहीं आएंगे, मंगल वाले दिन आएंगे। अच्छा, मंगल वाले दिन आएंगे, चलो देखेंगे कि मंगल वाले दिन कितने नंबर आ गए। देवरानी को देख कर आई थी, उसने कंधे पर कही उठाई हुई है, क्योंकि खेतों को पानी लगा हुआ है तो बच्चों ने ना तरकारी को पानी, जो बच्चे भूल। बताएं देवरानी किस चीज़ को पानी लगाने गई थी? लहसुन को। अच्छा, लहसुन को या प्याज? लहसुन को, प्याज को, दोनों को लगाने गई। अच्छा, वो कहीं लेकर ना वो दोनों को पानी लगाने गई है। और उस्ताद साहब आए हुए हैं, हसीब और अदना फिजान जो है ना, वो दोनों कुरान मजीद पढ़ रही हैं। अभी जो है ना शाम का वक्त हो रहा है, और ये दोनों आप लोग कहाँ से आए हैं? आसमान से। मैं तो पानी लगा के आया हूँ। अच्छा, आज मैं आपको बात बताता हूँ। रात को हम ना KFC पे गए थे, हम दोनों ने सोचा KFC पे ना खाने चलते हैं, KFC खाने चलते हैं। तो वहाँ पर गए तो मैंने ऑर्डर लगाया, तो ऑर्डर वाला कहता है, क्या कहते हैं, कहता है कि आपने इतना ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, कितने बंदे हो? फिर इसने बोला कि सिर्फ 2 हैं, आप थोड़ा कम कर लें। तो हमने फिर कहा कि हम भी फिर खाने वाले जवान हैं, ऐसी बात नहीं है। हम भी मर्द हैं। हाँ, आपने बताना था ना, हम पंजाबी मर्द हैं। हाँ, हमने 2 मिनट में ऐसे ख़त्म कर दिया। इधर आ गए, ये देखो माशाल्लाह। हाँ, तो क्या, इधर नहीं तो और किधर जाना है? मैंने तो खाया नहीं है बस, मैंने तो फिर आज मैं फिर सोता रहा हूँ। मैंने कहा मेरे हिस्से का आज पानी तूने लगाना है। हाँ, खाना इसको पानी लगवाया है, ऐसे लड़े नहीं है, इन्फेक्शन नहीं क्या पेट में लड़े नहीं, इसका मतलब है कि तबीयत खराब नहीं है, लड़े नहीं, इन्होंने कुश्ती नहीं की। वो कहते हैं जो हमने खाना खाया उसने हमारे साथ कुश्ती नहीं की। हाँ, वो ठीक। चले भाई, अच्छी बात है। एक का मसला था, क्या मसला बनाया? हमने एक एंड में एक पीस बच गया था। हमने सोचा की अब KFC पे हमारे दोनों की लड़ाई ना बन जाए। मैंने कहा अब ये है की लड़ाई बन गई तो फिर ये सारे देखेंगे। हाँ सही। मैंने कहा आप
प्यार मोहब्बत से डील कर लेते हैं। फिर इसने ना कहा अभी फिल वक्त ना ये जो एक बच्चा ना आप खा लो। तो ये अब आप लोग जा रहे हैं पानी देखने के लिए? इसको बड़ी भूख लगी है, ये कहता है हमें कुछ खाना है। अच्छा अभी भी कुछ खाना है? मैंने कहा जो तुझे गुंगलू ढूंढ देता हूँ। गुंगलू उसको शलजम बोलते हैं। इस मौसम में कहाँ आएंगे? मैंने कहा कहीं पड़े होंगे, मिल जाएंगे शायद। चल भाई देखते हैं ढूंढते हैं फिर। ये भूंगरे तो हैं काफी पक चुके हैं। मेरी बाज ने अगर मेरे हिस्सा ये खा जाता, अगर हमारी डील ना होती मैं तो इसके साथ लड़ पड़ता। जब तक लड़े ना खाना हजम नहीं होता। अच्छा तो फिर तो कुश्ती बनती है भाई। इतना इस दरख्त को हमने कटवाने की तैयारी की है पता है ब्रार? और आए थे दो बंदे, हमने बुलाए थे जो इस दरख्त को निकालने के लिए। ये देखे इन्होंने थड्डा भी लगाया है, क्योंकि ये बीच में खड़ा हुआ ना तो ये नुकसान करता है फसल का। तो जब उन्होंने थड्डा लगाना शुरू किया तो पता चला कि ये दरख्त जो है ना, ये देखिए इसकी साइड जो है ना ये पूरी इधर जा रही है इस थोम के ऊपर, जो मेरी देवरानी का बहुत ही प्यारा लहसन है। बड़ी मुश्किल से उसको पानी लगाया, पिछली मरतबा हमने घर से टूटी को लेकर आए थे इधर पानी लगाया था। क्या बोल रहे थे फिजान, तुम क्या बोल रहे थे? ये इधर मुर्गी हमारी एक अंडा देती है, ये देखे सामने अंडा पड़ा हुआ है। और ये बंदा कौन है जो इधर बहुत ही दौड़ा दौड़ा आ रहा है? तेरे दांत किधर है? स्कूल नहीं गया, रो रहा था, कह रहा था स्कूल नहीं जाऊंगा। सलाम करो पहले। इसने तैयारी निकाल ली फिर भी नहीं गया। ये अभी भी उम्मीद करती है। हाँ ये अभी भी उम्मीद करती है। खाल में देखते हैं कि पानी अभी तक चल रहा है या रुक गया है, और फिर चलते हैं घर। घर में खाना बन रहा है, क्या तैयार किया जा रहा है वो भी चल के आप लोगों से शेयर करते हैं। इधर तो खेतों में पानी आया हुआ है इस तरफ से, ये इधर इस खाल के जरिए जा रहा है उधर, क्योंकि इधर उधर जो है ना हमारा एक एकड़ गंदम का बच्चा हुआ था उसको लगाना है, और उसके बाद जो है ना ये घास को पानी लगा हुआ है, बाकी जो है ना गंदम का पानी सब, बाकी गंदम को पानी जो है ना सब हमने मुकम्मल करा लिया है। बच्चे जो है ना ये इधर घूम फिर रहे हैं, और ये मैं घर पहुंच चुकी, लकड़ियां भी लेकर आके रखी हुई हैं। न्यू मोबाइल आया है आईफोन, ये देखे छोटा सा क्यूट सा प्यारा प्यारा सा ये मोबाइल है, और ये चल भी पड़ा है भाई। तो ये मैंने अपने लिए मंगवाया है ऐसे ना? नहीं नहीं नहीं, ये मेरा और नगीना का है। नहीं ये मेरा है। अच्छा पहले आप लोग डिसाइड कर ले कि है किसका। ये नगीना का और अम्मी का है। नहीं ये अलीना का और अम्मी का है। अम्मी आप बताए किसका मोबाइल है? अलीना का है। ये आप दोनों का ही नहीं है? नहीं ये मेरा है, मेरा है। अच्छा नगीना का है, मैंने तो अभी पढ़ना है। तो चले चले भाई, बच्चों का ये मोबाइल लिया है बच्चों के लिए। मैम ने सोचा कि बच्चा थोड़ी कभी कभार ऐसे शो वगैरह देख लेती है तो कोई बात नहीं, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और प्यारा मोबाइल है। तो सब बच्चियों ने मिलकर इसको चलाना है, लड़ना बिल्कुल भी नहीं है। हमारी दोनों अम्मियां और हम। चले बेटी आप ड्रामे देखते हैं, तेरे बिन बहुत अच्छा। ड्रामे बहुत ज्यादा शौक से, वो भी हम पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं और नहीं देखते। पूछने किचन में कि क्या पकाया जा रहा है, वो कहते हैं कि अदनान जो है ना अभी लेने गया हुआ है, लाइट ऑन कर देते हैं क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और रात होने वाली है, अंधेरा हो रहा है बाहर, सूरज ग्रूब हो चुका है। और कहते हैं कि अदनान को काफी देर से भेजा है बाजार, क्योंकि आज बच्चों ने कुछ स्पेशल मंगवाया। क्या मंगवाया? बच्चे तो जो शौक से खाते वही मंगवाया अगर मुझे पता है तो। अभी अदनान आएगा फिर खाना बनाना शुरू करेंगे। तो अभी जो है ना मैं बाहर आई थी देखने के लिए कि अदनान अभी तक आया है या नहीं। ओ ये देखे बहुत पानी जो है ना पूरी सड़क पर खिलरा हुआ है, अफसोस इतना ज़्यादा खिलर गया है। ये देखे इधर से लेकर उधर तक, और सड़क भी बंद हो गई है। अब पता नहीं आने जाने वाले बेचारे क्या कर रहे होंगे। इधर फट्टा लाकर इधर रख दे ताकि आने जाने वालों को तकलीफ ना हो, वरना बेचारे मोटरसाइकिल वालों को तकलीफ हो रही है। ट्रैक्टर वगैरह तो आती है वो बीच में से गुजर जाती है, लेकिन मोटरसाइकिल वालों को तकलीफ हो रही है। क्या हो गया? आ गए हो? इतनी देर लगा दी, रश था दुकान में। अच्छा ये सारा सामान लेकर आने वाला अदनान ही होता है ना। चलो अंदर लेकर चलो फिर। ये टमाटर भी है। अच्छा लेकर क्या आए हो आज? आज चावल बनाने हैं। अच्छा रोज चावल खाने होते हैं आप लोगों को? चावल ही होगा, चावल भी साथ और रोटी भी साथ। चले भाई रोटी भी खाएंगे चावल भी खाएंगे। मेरी नीम को लेके आयो? हाँ ये ले। शुक्रिया बहुत बहुत भैया। इतनी सारी नीम को खा जाओगी? दिखाओ
इतनी सारी खा जाओगी? इतनी कम है, मैं इससे भी ज्यादा खाती हूँ। ये आपका ना मैदा खराब कर देगी। नहीं होगा खराब। चावल मैंने कहा बेटियों से तुम भी गोद दो और मैं जो है ना गोश्त लेकर चलती हूँ। ये फ्रिज में पड़ा हुआ है गोश्त। हाँ, ये पड़ा हुआ है गोश्त। और आज बिरयानी बनानी है। बच्चे जो है ना गोश्त शौक से नहीं खाते, वो चावलों के साथ मिक्स कर दे तो फिर खा लेते हैं। अभी जो है ना ये देखें चावल हमने भिगो के रख दिए हैं। जब तक चावल जो है ना नरम होते हैं हम गोश्त को निकाल के और मसाले तैयार करते हैं। लेकिन जो है ना पच्ची लेकर आओ सीप उधर से। तो आज हमारा पहला दिन है इस घर में रहने के लिए, तो आज से हम उधर ही रहेंगे और बच्चे भी सो रहे हैं, हम भी बिस्तर लगा रहे हैं अपने। बस अस्सलाम वालेकुम। ये हसीब की दोस्त है। हसीब के साथ सोएगी, उसके साथ ही बैठेगी है ना जी। हसीब की चारपाई के नीचे बैठेगी, सारा दिन उसके साथ ही खेलती है ना इस वजह से जी। आज स्कूल नहीं गया था हसीब, सुबह क्या था बहुत हो गया। कहते मैं स्कूल नहीं जाऊंगा।